हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में और एक कॉन्सेप्ट देखेंगे ऑफ क्लास, दैट इज मेंबर क्लास और नेस्टिंग ऑफ द क्लास. नेस्टिंग ऑफ द क्लास को अदरवाइज बोला जाता है कंटेनरशिप. तो इनहेरिटेंस इज द मैकेनिज्म ऑफ डिराइविंग सर्टेन प्रॉपर्टी ऑफ वन क्लास इनटू अनदर. सो सी प्लस प्लस सपोर्ट्स अनदर वे ऑफ इनहेरिटेंस देन द डिराइव क्लास कॉन्सेप्ट. तो इनहेरिटेंस में क्या होता है, नॉर्मली बेस क्लास का कॉन्सेप्ट आपका डिराइव क्लास में आ जाता है. तो उस कॉन्सेप्ट को छोड़ के मतलब सी प्लस प्लस में एक दूसरा भी कॉन्सेप्ट है जिसके थ्रू हम लोग प्रॉपर्टीज को इनहेरिट कर सकते हैं. तो वो कॉन्सेप्ट को बोला जाता है कंटेनरशिप. सो हियर अ ऑब्जेक्ट कैन बी अ कलेक्शन ऑफ मेनी अदर ऑब्जेक्ट, दैट इज ए क्लास कैन कंटेन ऑब्जेक्ट्स ऑफ द अदर क्लास एज इट्स मेंबर. तो नॉर्मली एक क्लास के लिए एक ऑब्जेक्ट होता है, लेकिन ये कंटेनरशिप कॉन्सेप्ट में क्या होता है कि एक क्लास में हम लोग दूसरे क्लासेस के जितने भी ऑब्जेक्ट हैं उसको कंटेन कर सकते हैं एज इट्स मेंबर. किस तरह से, जैसे क्लास अल्फा एंड बीटा है, तो क्लास जो गामा है, ये क्लास गामा में हम लोग ने क्या किया है, अल्फा ए एंड बीटा बी को एज अ डेटा मेंबर ले लिया है. तो अल्फा ए का मतलब क्या है, क्लास नेम अल्फा एंड द वेरिएबल, मतलब ए एक ऑब्जेक्ट है, बीटा एंड वेरिएबल मतलब बी भी एक ऑब्जेक्ट है. तो उसी कॉन्सेप्ट को हम लोग कंटेनरशिप और नेस्टिंग बोलते हैं. तो नेस्टेड ऑब्जेक्ट इज क्रिएटेड इन टू स्टेजेस. किस तरह से नेस्टेड ऑब्जेक्ट क्रिएट होता है, द मेंबर ऑब्जेक्ट आर क्रिएटेड यूजिंग द रेस्पेक्टिव कंस्ट्रक्टर, देन द अदर ऑर्डिनरी मेंबर्स आर क्रिएटेड. तो हम लोग वो जो नेस्टेड ऑब्जेक्ट है उसको कैसे क्रिएट करेंगे, यूजिंग द कंस्ट्रक्टर. उसके बाद बाकी जितने मतलब मेंबर फंक्शन है उसको आप ले सकते हैं. इसका मतलब क्या है कि कंस्ट्रक्टर ऑफ ऑल मेंबर ऑब्जेक्ट शुड बी कॉल्ड बिफोर इट्स ओन कंस्ट्रक्टर बॉडी इज एग्जीक्यूटेड. तो कंस्ट्रक्टर बॉडी के एग्जीक्यूशन से पहले ही हम लोग कंस्ट्रक्टर ऑब्जेक्ट को कॉल करेंगे. कैसे, जैसे कि पहले हम लोग ने दो ऑब्जेक्ट को कॉल किया, उसके बाद पब्लिक पार्ट में क्या लिया है, गामा आर्ग्यूमेंट, मतलब ये एक कंस्ट्रक्टर है, पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर. उससे हम लोग क्या कर रहे हैं, फर्स्ट ऑब्जेक्ट के कंस्ट्रक्टर एज अ कंस्ट्रक्टर एंड सेकेंड ऑब्जेक्ट एज अ कंस्ट्रक्टर यहाँ पे हम लोग ने यूज किया. तो इसी को बोला जाता है कंटेनरशिप.